लुधियाना दे कुहाड़ा दे विच स्ट्रॉबेरी दी किस्म पूरे पंजाब दे विच मशहूर हो गई है। लुधियाना दे विच उगण वाली यह स्ट्रॉबेरी पूरे पंजाब च ही नहीं सगो चंडीगढ़ तक विकदी है। नामधारी स्ट्रॉबेरी फार्म पूरी तरह ऑरगैनिक ढंग दे नाल स्ट्रॉबेरी दी काश्त करदा है। ना सिर्फ इस नाल किसान तिगणे चौगणे पैसे कमा रहे ने, सगो बदलवी खेती दा भी एक अहम हिस्सा है। नामधारी हरदेव सिंह अपने खेतों के 24 इस तरह दियां सब्जियां उगाते ने। इन्हां दे खेतों च उगाउण वाली पीली अते जामनी रंग की गोभी तुसी शायद ही किते वेखी होनी। यह पूरी खेती ऑरगैनिक ढंग दे नाल हुंदी है। साल 2011 दे विच हरदेव सिंह ने इसकी शुरुआत 1 एकड़ तो की सी, ते हुण उह 4 एकड़ दे विच स्ट्रॉबेरी ला के उस तो दुगनी कमाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि अजिही स्ट्रॉबेरी पूरे पंजाब भर च किते भी नहीं हुंदी। किसान हरदेव सिंह ने दसिया कि उसने 1 एकड़ तो स्ट्रॉबेरी की खेती की शुरुआत साल 2011 तो की सी। पहला पहल कई मुश्किलों का सामना भी करना पिया, पर बाद विच उन्होंने इस विच कामयाबी मिली। उन्होंने दसिया कि पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी तो भी वह इस संबंधी सिखलाई लै चुके ने। हरदेव सिंह ने दसिया कि इन्हों पूरी ऑरगैनिक ढंग नाल उगाया जाता है और पानी भी ड्रिप सिस्टम नाल दिता जाता है। उन्होंने कहा कि इसकी पनीरी वह हिमाचल दे विच तैयार करते हैं, उतों लिया के फिर इतने तैयार करते हैं। इन्ना ही नहीं, इकल्ले हरदेव सिंह ने महज 4 एकड़ के खेत विच 35 दे करीब महिलावां नूं रुजगार भी दिता होया है। उन्होंने दसिया कि अपने खेतों के जो सब्जी उगाता है वह पूरी तरह ऑरगैनिक है। उन्होंने गोभी की नवी किस्म ईजाद की ने, जिस दे विच जामनी अते पीले रंग की गोभी लोगों की खिच का केंद्र बनी हुई है। उन्होंने कहा कि यह फिलहाल अपने खाण वास्ते उगाई जा रही है, अगे जा के इसका वह मंडीकरण भी करनगे। सर की नाम है, कड़ी जगह रहना? मेरा नाम सरदार हरदेव सिंह, मैं भैनी साहब रहना जी, गुरुद्वारा श्री भैनी साहब पंजाब लुधियाना। सर स्ट्रॉबेरी की तुम खेती करते हो, असी वेख्या कि स्ट्रॉबेरी की खेती जी काफ़ी चंगी हो रही है। सर कदों तुम ये शुरू की सी, कितने साल हो गए, तो पहला कितने एकड़ च करते थे, हुण कितने एकड़ च करते पे? 2011 तो शुरू किया जी, तो लुधियाना यूनिवर्सिटी तो बूटे लाए सन, तो फिर ये बूटे आप तैयार कर लग गए 2011 तो। पहले 1 एकड़ तो शुरू की सी, हुण 4 एकड़ के कर रहे हैं। हाँ जी सर, कितने कितने जी स्ट्रॉबेरी जाती है थोड़ी जी? अपनी चंडीगढ़ हो गई जां लुधियाना, वैसे लुधियाने की मार्केट तो असं आप ही देने, मंडी वगैरह नहीं जाती लुधियाने, तो चंडीगढ़ मंडी भेज दें जो फालतू हो जाए, जो साढ़े तो ओवर हो जाती जो थोड़ा बहुत। सर कि मुश्किल सी जो नवी तुम ये खेती शुरू की थी, उदो की दिक्कत आदि सगे, हूँ वह दिक्कत कि घट गई ने हूँ? दिक्कत इतने नामधारी जरा गुरद्वारा श्री भैनी साहब सतगुरु जी बहुत मदद करते रहे साड़ी, तो पहला 1 एकड़ जमीन उन्हें ही दी सी, फिर अगर लीज से लैके कर रहा मैं, तो उन्होंने वालों बहुत मदद आ, बहुत सानू गाइड करते हैं, उन्होंने नाल ही साडा तकरीबन साडा उन्होंने गाइडनेस नाल ही कामयाब हुए हैं अस। हाँ जी सर, जी खाद है या जी ऑरगैनिक है, पूरी तरह ऑरगैनिक है सारी जी? हाँ जी पूरी तरह ऑरगैनिक आ, ये देसी खादा पाई जा, बैक्टीरिया पाया जाता है जिमें हरी खाद वगैरह होगी, बैक्टीरिया बहुत वधिया चीज़ है, सूडोमोनोस है, ट्रैकोडर्मा है, वो बैक्टीरिया नाल ही फंगस का भी तो मतलब सुंडी वगैरह का भी कंट्रोल हो जाता वो। सर की रेट जी विकती है स्ट्रॉबेरी जेकर मार्केट की गल की जाए तो? वैसे मार्केट के जोड़ा रेट हो, स्ट्रॉबेरी का रेट वध मिलता उन्होंने ड्योड़ा ही मिल जाता हिसाब न, मार्केट 150 किलो रुपए के जी विक रही, अपनी 200 विक जाएगी। कारण की सर? कारण एक तो ऑरगैनिक आ, दूसरा यदा जो न्यूट्रेट वधिया ने, कलर वधिया आ खादा वगैरह नालों। सर इरीगेशन जी किस टाइप दिती जाती है? इरीगेशन तो ये यही है, पानी वगैरह जो मतलब कि पहले खादा खुदा तो जो रूड़ी पा लें आप। हाँ जी बाद ड्रिप इरीगेशन राही तुसी इनू? वो तो पानी का ही जरिया, पानी इनू जिहड़ा ना रोजाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा भरवा पानी नहीं चाहिए ओदे वास्ते, ठीक है। सर एक गोभी असी देखी है कि जड़ी नवी किस्म जड़ी तुसी लगाई है पर्पल ते पीले रंग दी गोभी, सर वो तुसी खाने लई लगाई है या अगे बेचन लई लगाई? नहीं नहीं, वो खाने वास्ते बाड़ी तुसी देख ही आए जे, ओदे च 22-23 प्रकार दी सब्जियां लगियां होईयां ने जी, तो सिर्फ दो कनालां दे विच थोड़ी थोड़ी सब्जी जिहड़ी अपने घर वास्ते खाने वास्ते, जां कोई रिश्तेदार जां कोई सज्जन मित्र लै जांदे ने,
ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੋਬੀ ਖਰਬੂਜਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਤਰਬੂਜ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੋਭੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਲੇਬਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਹੌਲਕਾ ਕੰਮ ਆ ਪੈਕਿੰਗ ਪੁਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੇਬਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੈਸੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਲਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ 30-35 ਲੇਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਲਵਾਈ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮਲਚਿੰਗ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ 30-35 ਲੇਬਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸਟ੍ਰੋਬੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਟ੍ਰੋਬੇਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਟ੍ਰੋਬੇਰੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੋਬੇਰੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਵੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਟ੍ਰੋਬੇਰੀ ਤੋੜ ਲਵੇ ਅਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗੋਇੰਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਟ੍ਰੋਬੇਰੀ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸਟ੍ਰੋਬੇਰੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਸ਼ੋਕ ਗੋਇੰਕਾ ਹੈ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਸਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਏ ਹੋ ਸਟ੍ਰੋਬੇਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੋਬੇਰੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੋਬੇਰੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਬੇਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਟ੍ਰੋਬੇਰੀ ਤੋੜੋ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਕਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਸਟ੍ਰੋਬੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਸਟ੍ਰੋਬੇਰੀ ਔਰਗੈਨਿਕ ਹੈ 100% ਔਰਗੈਨਿਕ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ